हमारे साथ है ज्योति भांटिया जी और भाई साहब। हम जानेंगे इन्हें भक्तांबर पे बहुत काम किया है, इतने लोगों के लिए कर रही है और उसके कैसे रिजल्ट इनको मिल रहे हैं। और ये पीएचडी भी हमारे मेरे अंदर में पीएचडी भी कर रही है, अभी इनकी थीसिस भी कंप्लीट हो चुकी। तो आप बताएंगे एक एक करके कि आपने कितने लोगों के लिए किया और कैसे वो ठीक हो रहे हैं। रायपुर में पवन जैन है, उनको पीठ में ऐसा गांठ जैसी हो गई थी, तो पहले भी वो बाल फोड़ जैसे बोलते हैं, तो उसको ऑपरेशन कराया थे काफी 20-25 साल पहले। तो अभी कुछ दिन पहले वापस गांठ हुई और उसमें से ब्लडिंग होना चालू हो गई थी, तो उनको डर लगा कि वापस कहीं ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा। तो उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने अर्चना भाभी का वीडियो है रिकॉर्डिंग की भी है, श्लोक और मंत्र दी थी उनको दी, तो उन्होंने लगातार उसको तीन दिन में तीन बार रिकॉर्डिंग सुनी और सुनी। तो एक तो पहले उनकी भाभी की आवाज़ में इतनी शुद्धता है कि वो मन पहले शांत हो जाता है, और लगातार उसमें पढ़ने के कारण उनके जो तकलीफ थी वो धीरे धीरे वो गांठ भी डाइल्यूट हो गई, और अब आज उनको रिलैक्स है कि दर्द भी कम हो गया और काफ़ी सुधार है उनके। अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने क्या बोले, गैजेट सुन के हो गया जो गैजेट? हाँ, जो गैजेट है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग उनको भेजी थी, तो वो लाल वाले जो बजे आपको दिखाती हूँ आगे, वो गैजेट है मेरी आवाज की, बट ये सुनने मात्र से उनकी रिकॉर्डिंग मैंने उनको व्हाट्सएप में भेजी थी, 70 श्लोक एंड 45 श्लोक। तो वो बोले कि मैं अगर पढ़ता हूँ तो मेरे को डाउट है कि मेरी शुद्धि नहीं आएगी, उच्चारण में गलती हो सकती है। तो जैसे ही दो या तीन बार और मंत्र विधि को सुना, उनको ऐसा लग रहा था इतना मन शांत हो गया है और एकदम अलग से एनर्जी लग रही थी, बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ गई, और धीरे धीरे लगातार उन्होंने कंटिन्यू करा और आज उनको उस चीज़ से काफ़ी आराम मिल गया है। तो भाभी की आवाज़ में बहुत शुद्धि है, इसी की मैंने मतलब इस यंत्र की जो ये रिकॉर्डिंग का 9 टाइम का सुनने का रहता है ना, उसी को मैंने दबा के 9 बार वो रिकॉर्डिंग करके भेजा। तो कंटिन्यू सुनने से क्या लिंक टूटता नहीं है, और इसका आप 108 बार 1000 बार भी सुन सकते हैं। इसमें एक एक ऐसा मैंने इसमें दिया है कि एक एक श्लोक आपको जितनी बार भी सुनना है वो बार बार रिपीट होते जाएगा। और आपका जो किस चीज के लिए वो लिखा हुआ है, तो उससे और ज्यादा क्लियर होता है कि भाई जिस तकलीफ के लिए है, तो इससे हमको आराम मिलेगा करके। अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने बताया, गैजेट के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मात्र इसको सुनने से ही हम ठीक हो जा रहे हैं। और आपने अपने मम्मी पापा के लिए भी बहुत बार श्लोक किया, उनके बिजनेस के लिए, उनके स्वस्थता के लिए। तो वो भी अभी उम्मीद करते हैं कि अभी सब अच्छे हैं। अच्छा, और हमारे साथ भाई साहब भी है, भाई साहब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ज्योति जी के मिस्टर हमारे साथ है, भांटिया जी, तो आप भी अपने बारे में कुछ बताइए कि आपके यहाँ आपके भाई भी इतना अच्छे से पीएचडी करिए, आपको कैसा लग रहा है और आपने भी इसका क्या अनुभव लिए हैं? अच्छा लग रहा है, आपकी एक्चुअली मेहनत बहुत काम में आ रही है, ये कुछ करते 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 आज ये स्टेज पर हो गया कि ये सब चीज एटलीस्ट उसका रिटर्न पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा केस स्टडी की बस होते हुए कंप्लीट करके वो सबमिट करना है। इसमें जो आपने उसको करवाया और उसकी रुचि बढ़ी, क्योंकि उसको पता था कि भक्तांबर श्लोक से होता है, बट एक्चुअल क्या होता है, कैसे करना है और किस सिटी से जाना है, ये तो कुछ भी नहीं पता था। रहा तो मतलब आपने बताया कि उसका रास्ता कैसे पे पहुँचेंगे, अब उस चीज पे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी भी काफी रुचि उसमें बढ़ते हुए आ रही है, और रोज वो उस चीज को किसी न किसी तरीके से कर रही है, तो उस काफी एनर्जी लेवल और घर में भी काफी माहौल में चेंज होता है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मुझे खुद को एक क्रिएटिनिन लेवल मेरा बढ़ा था और थोड़ा सा किडनी का एक प्रॉब्लम आना था बीच में, तो फिर उसने मेरे पीछे में एक श्लोक किया, जो पहले तो डॉक्टर को जब दिखाया जब पूरी रिपोर्ट निगेटिव थी फर्स्ट रिपोर्ट पे,
जब बाद में फिर डॉक्टर ने जब सब बाकी टेस्ट किया तो उसमें बाकी पूरी सभी चीज़ पॉजिटिव ही आई, तो उसमें कहीं पे भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखी। लगता है भक्तावा श्लोक से ही उसका एक प्रेरित होकर ठीक हुआ है वो वाला। अच्छा, आज आपने बहुत ही अच्छे से करीब 2 घंटे 2.5 घंटे से आप मेरे साथ हो और 2.5-3 घंटे से ध्यान विधान सब आपने किए, तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे? आज आप 2.5 घंटे से कंटिन्यू भगवान विधान सब आपने किया है, वो इतनी अच्छी शुद्धि और ध्यान से होता है कि समय भी नहीं पता चलता कि 2.5 घंटे हो गए। आप बता रहे तो पता चल रहा है कि इतना समय, जब आ रहा था जब लग रहा था कि कितने देर बैठेंगे और क्या कर रहा, ज्योति को बोल भी रहा था कितने देर बैठ पाएंगे क्या, लेकिन वो चीज़ें होते होते और इतने ध्यान से हुआ और अच्छा पढ़ने से, जो आपका वक्ता में जैसे पढ़ते हैं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने, बट उसमें जमता नहीं है, लेकिन आप जिस रुचि पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लैरिटी आती है और ज़्यादा उसके अच्छा तो समझ में आता है वाला क्या है। तो बहुत अच्छा, आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ज्योति जी ने भी, और एक और आपका था कि आपको कुछ यहाँ पर स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम, देखो तो कल स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इचिंग बहुत हो रही थी, तो मैं इतनी परेशान थी, पर मैंने 31 श्लोक आपने स्वयं के लिए 9 टाइम सुना रात तक, और अभी मेरे को इतना रिलैक्स है कि लग ही नहीं रहा कि कल कुछ इतनी तकलीफ थी कि मेरे को सहन नहीं हो रही थी, और आज एकदम रिलैक्स हो गया, तो है तो सही भक्तावा का चमत्कार, ये तो है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जय जिनेन्द्र, आप लोगों ने अपना इतना समय यहाँ दिया सेंटर पे, विद्या गिरी सेंटर में 3 घंटे से आपने ध्यान विधान सब किया और उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेन्द्र।